हो गया, वो खाली हो गया मुरीद। कारी साहब ने जो ऐलान किया ना कि जी कि डॉक्टर इशफाक ऐसा है कि जी पीर की रजा पे ये राजी रहता है, जो टाइम दे दे, जब आ जाए, जब ये, यही कमालात होते हैं। पीरी मुरीदी सौखा काम नहीं। अभी समझते हैं पीर दे चुम चुम के थुका ना लबेड़ दईए, तो श्रीनी दे के उन्दिया जेबां भर दईए, पीर आप दे घर असी साढ़े उही हो टोले, उही हो माइए, उही असी। मैं नहीं, ऐसी नहीं चाहिए मुझे पीरी मुरीदी, मुझे कम अज कम नहीं चाहिए। जो नमाज ही ना पढ़ता हो वो कैसा उम्मती है, जो दुरूद शरीफ ही ना पढ़ता हो, जो कुरान पाक ही ना खोलता हो। मैंने ना कोई नारा लगवाया, ना कोई आपके हाथ नात खानों की बड़ी आफत शुएब साहब की बड़ी ये आदत है जी, मेरा बेटा है जी आफत शुएब रजा का, हाथ चुको, एक चुको, दो चुको जी, ये जो हाथ चुको। लेकिन मेरे से एक वादा कर लें कि नमाज पढ़ेंगे, और नमाज कौन कौन पढ़ेगा वो हाथ खड़ा करके जरा। जजाकल्ला खैर, माशाल्लाह सारे ही पढ़ेंगे मेरा तो। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। एक बीबी पाक सलामुल्लाह अलैहा के बारे में ना मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, एक बात आपको नुस्खा मैं दे देता हूँ। कोई नहीं, पीरां पूरां ते जान दी भी लोड़ कोई नहीं। वैसे तो जिंदी माँ घर जिंदा है उस तो वड्डा पीर कोई नहीं, उससे बड़ा पीर कोई नहीं। और एक और, ये माँ की बात, अब थोड़ा सा ऐसे 2 मिनट एक और बात याद आ गई। मुफ्ती साहब, बंदा कोई ऐसा गुनाह कर ले, रब नाराज हो जाए और आपको पता लग जाए कि ये गुनाह हो गया है, और आप अस्तगफार पढ़ पढ़ के अल्लाह से तोबा कर कर के, तो रब नाराजी होता हो, तो एक काम किया करें कि मखलूक खुदा को अल्लाह नाराज है, अल्लाह की मखलूक को खुश करना शुरू कर दिया करें। और किसी के दिल से निकली हुई दुआ अल्लाह कबूल कर ले और आपको मुआफ कर दे। बात समझ में आई? ये दर बड़ा हो तो सवाली भी बड़ा लगता है। ये कलाम नहीं पढ़ रहे थे कि शायद यहाँ के लोग, वो बिल्कुल देहात है ये, लेकिन आप माशाल्लाह सारे समझदार हैं। दुआ करवाई नहीं जाती, याद रहे एक बात मेरी, ये पल्ले बांध ले, पल्ले बांध ले ये बात। दुआ करवाई नहीं जाती, दुआ ली जाती है। समझ आई मेरी बात? दुआ करवाई नहीं के पीर को चलने हैं, मुर्शिद को चलने हैं, उस्ताद जी को चलने हैं, माँ को चलने हैं, प्यो को चलने हैं, ते माँ मैं सफर ते चलना है, मैं कारोबार है सौदा करन लगा, ते माँ मैं दुआ ते करी, ये दुआ करवाना होता है। एक ये होता है कि जी माँ बैठी है उसके कदम बोसे की, तो माँ ने सिर ते हाथ रख के कहना है पुत्र तेनू सत्य ही कह रहा। दुआ करवाई नहीं जाती, दुआएं ली जाती हैं। इतनी खिदमत करें माँ बाप की, इतनी खिदमत करें पीर की, इतनी खिदमत करें सादात की कि वो दुआएं निकलें। इतनी खिदमत, इतना वो, जैसे कि अल्लाह नाराज है तो अल्लाह के बंदे को खुश करें ना। अल्लाह राजी नहीं हो रहा आपके इस्तगफार से, तो उसके बंदे को खुश कर दें। वो बंदा खुश होकर जब आपको दुआ देगा, ये दुआ लेने वाली बात है, ये करवाने वाली बात नहीं है। इस दुआ लेने वाली बात पे फिर अल्लाह भी राजी हो जाता है, अल्लाह भी खुश हो जाता है। चले बीबी पाक सलामुल्लाह अलैहा के
बारे में जो मैं नुस्खा एक आपको बताने लगा था, कई लोग मुझे पहली दफा मिले होंगे, पहली दफा कई सुन रहे होंगे, कई ने देखा होगा। सहाबा किराम अजमईन कोई उनकी बात आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं मानते ना, किसी ने कहना कि जी आका हमारे घर चलें या कोई ऐसी या ये कर लें वो कर लें, कोई ऐसी बात होनी तो आका जी नहीं मानते। तो वो सारे अपनी अर्जी ना खतूने जन्नत सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में पेश करते थे।